अब तक उम्मीद है आपको फ्री लांसिंग के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी अब हम डाइव करने जा रहे हैं इंटू द एक्चुअल थिंग विच इज टू डिस्कस डिफरेंट फ्री लेंस मार्केट प्लेसेस हम ब्रीफली हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस को ओवरव्यू करेंगे थ्रू स्क्रीन शॉट्स एक एक को बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे किस में कितने प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं कौन सी मोस्ट इन डिमांड है आ, कौन सी जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड बाय

यूज़ करने से आपको प्रोजेक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं जिसको यूज़ करने के बाद आप इनशा अल्लाह पाक के फजल करम से सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये वो टॉपिक है जिस पर मैं आपकी सबसे ज़्यादा तोजो चाहूँगा मैंने भी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी के बाद जांच पड़ताल करने के बाद फ़ॉरन ई लांस से गुरु डॉट कॉम पर स्विच किया था उसकी कुछ वजूहत थी जो मैं आपको अभी बताता चलूँगा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल और ये वर्ड मैंने क्रिएट किया है अपने पंद्रह साल के एक्सपीरियंस के बाद इसमें यह बताता जरूर चलूंगा कि ट्रेडिशनल फ्रीलांस लांस मार्केट प्लेस जो हम ब्रीफली ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके थे बट उसको अभी कवर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो वो हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर आएगा प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा एक स्किल सेट डिटर्मिन करेगा सेलेक्ट करेगा एंड यू एज ए फ्री लैंसर वुड बी एबल टू गेट लीड्स रिलेटेड टू दोड बाई एम्प्लॉय एंड बी एबल टू बेट ऑन दो प्रोजेक्ट्स पोस्टेड बाय एम्प्लॉयर्स ये तो होगी जनाब ट्रेडिशनल फ्री लांस मार्केट प्लेस नॉन ट्रेडिशनल फ्री लांस मार्केट प्लेस एक ही है और वो बड़े जम के काम कर रही है उसके इर्द गिर्द जो भी कंपटिशन आए टाइम टाई फिश गायब हो गए मैं बात कर रहा हूँ फाइवर डॉट कॉम की एफ आई वीई आर आर डॉट कॉम इसके साथ सिक्सर डॉट कॉम आई थी एस आई एक्स ई आर डॉट कॉम बहुत सारी और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेज आई थी जो आई पानी की तरह बह के चली गई फाइबर जमा रहा फाइवर क्यों जमा रहा बिकॉज ऑफ द फाइव डॉलर थिंग बिकॉज ऑफ द इनोवेशन बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स फ्रॉम द एशियन फ्रीलांसेस ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि अपवक में जो कि ट्रेडिशनल फ्रीलांस लांस मार्केट प्लेस है गुरु डॉट कॉम फ्री लांसर डॉट कॉम इन तीनों साइट्स पे जो इन्फ्लक्स है ना फ्री लांस का वो वर्ल्ड वाइड है मेजॉरिटी वर्ल्ड वाइड है वेयर एज इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल फ्री लांस मार्केट प्लेस फाइवर में एशियन इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर यूरोपियन या अमेरिकन या कनेडियन या ऑस्ट्रेलियन वो फ्री नहीं है नहीं ऐसा मेरा कहने का मकसद नहीं है लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी की वजह एशियन फ्री थे बिकॉज वो इस प्राइस पे अपनी सर्विसेज देने को विलिंग थे पाँच डॉलर एज इट सेज फाइव पाँच डॉलर पर प्रोजेक्ट होता क्या था कि नॉन ट्रेडिशनल में आप अपनी सर्विसेज डालते हैं इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिफरेंट स्टफ सच एज योर वीडियोज योर डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोजेक्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उसमें कितने एड ऑन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए सिर्फ ये फिगर आउट कर लीजिए कि आप किस मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ट्रेडिशनल को बट यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चे नॉन ट्रेडिशनल यानी फाइवर जो कि आप सर्विसेज डालें और उस पर आपकी पैकेज खरीदा जाता है उसको प्रेफर करते हैं उसकी वजह है यह कि बिडिंग नहीं करने पड़ती Bidding facility is present Fiber but most of the Asian freelancers, they prefer not to bid on the projects because they not easy bid. You have to understand the employer psychology, you have to understand the importance of business development, and uh, most importantly, you have to become a little bit of, uh, you know, psychiatrist to figure out what employer is thinking when he is posting a project, and then therefore identifying between fake and original projects all of that hassle is taken away when you talk about fiverr because fiverr says post your services and if you're good enough employer will buy your services so ye jo fasla hai traditional versus non-traditional ye fasla hai many apni preferences it won't be a bad idea my friends to initially start with fiverr because जब आप यूज टू हो जाएंगे वेन यू गेट इन टू द ग्रू वैन यू गेट इन टू द सिस्टम देन जंप फ्रॉम फाइवर टू एनी अदर फ्रीलांस मार्केट प्लेस दैट बिंग सेड आई नो फ्यू पाकिस्तानीज जिनका जिक्र मैं यहां पर जरूर करता चलूंगा एक का तो लाजमी जिक्र बनता है बिकॉज वो पाकिस्तान की शान है आलियान चौधरी और uh, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले उनसे पूछा था कि मैं आपका जिक्र कर दूं उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिएगा और आलियान चौधरी इज अ फाइवर सुपर सेलर और माशाल्लाह ही इज डूइंग अ इमेंसली वेल विद फाइबर सो खाली फाइबर पाँच डॉलर का नाम नहीं है इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे